friends, good morning. Today I am going to explain the question on capital gains. First question of capital gain, NSSC A had purchased 500 shares of the total face value of rupees 5000 for rupees 8540 in May 2006. He received 100 bonus shares of the value of rupees 10 each from the same company in May 2018. He sold the original 500 shares on 1st June 2018 for rupees 60,000 for the assessment year 2019-2020. Calculate the amount of capital gain of Mr. A. Repeat mein karne ja raha hu. Ye kis share ko bech raha hai? Original shares. Jis share ko isne purchase kab kiya tha? In May 2006 and sold on 1st June 2018. Kharida kab tha isne? 2006 mein. Kab ye sale kar raha hai? 2018 mein. To maine bataya tha meaning of short term capital assets and long term capital assets. Yahan par ye shares 12 mahine se adhik hold kar rakha hai, isliye ye long term capital assets hoga. Aur section 49 mein maine explain kiya tha how to compute capital gain. How to compute capital gain? Capital gain, computation of capital gains of Mr. A for the assessment year 2019-2020. First word, अगर आप ध्यान देंगे याद होगा आपको, तो क्या लिखते थे हम लोग? Sale consideration. Sale consideration of 500 shares rupees 60,000. Sale consideration हमारा कितना दिया हुआ? 60,000. और assets दो तरह का था, या तो वो long term capital assets होगा या तो short term. अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, तो मुझे इंडेक्सेशन अलाउड है. तो इंडेक्सेशन कैसे हम लोग करते थे? लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने का तरीका था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. Cost of acquisition of shares into cost inflation index in the year in which assets is sold or transfer. जिस साल assets को sell किया गया, उस साल हमारा cost inflation index क्या था? Divided by cost inflation index of the year in which first assets held by the SSC. तो जिस साल इस assets को खरीदा गया, उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ है 122. 8450 मल्टीप्लाइड बाय 280 डिवाइडेड बाय 122 आर इक्वल टू 19600 देयरफॉर कैपिटल गेन इक्वल टू सेल कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 19600 आर इक्वल टू 40400 आर नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. नेक्स्ट इसी तरह से फ्रेंड मैं एक और क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर टू क्या लिख रहा है? जो परचेज अ बोन हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1st सितंबर 99 फॉर रुपीस 410,000 एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1st अप्रैल 2001 वाज रुपीस 370,000. रिपीट मैं करने जा रहा हूं. एसेट्स को 1st सितंबर 99 में खरीदा था इसने 410,000 में, और आज के डेट में 1st अप्रैल 2001 को इस प्रॉपर्टी का वैल्यू कब था? क्या था हमारा 1st अप्रैल को? 3,70,000. मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स. मीनिंग ऑफ इफ एनी एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1st अप्रैल 2001. अगर कोई एसेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन 1st अप्रैल 2001 व्हिच एवर इज हायर. इस केस में ओरिजिनल कॉस्ट जो है एसेट्स का 1st अप्रैल 2001 में जो था फेयर मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा है. तो ये मैंने उस वक्त भी बताया था, ये मेरा कौन सा है? ऑप्शनल है. एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी, एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी. तो ओरिजिनल कॉस्ट इसका ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू से. नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिख रहा हमारे पास? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर ड्यूरिंग 2000 एंड 2001 10,000
renewal and reconstruction in 2013-14 rupees 4,40,000. The property was transferred on 31st March 2019 for rupees 45 lakhs. Compute capital gain. Computation of capital gain of Jojo for the assessment year 2019-2020. Sale consideration. Sale consideration of property rupees 45 lakhs. माइनस मैंने क्या क्या करना था बता दिया सेक्शन 48, दो चीज माइनस करने के लिए कर, सॉरी तीन चीज माइनस करने के लिए कर रहा था, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और तीसरा क्या था, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. अब मैं माइनस करने जा रहा हूं कॉस्ट. तो यहां कॉस्ट चूंकि एसेट्स लॉन्ग टर्म हो गया, एसेट्स कब खरीदा था इसने, 1st अप्रैल 2001 से पहले, सेल कब हो रहा है 2018, 36 महीना से ज्यादा हो गया. तो ये कैसा प्रॉपर्टी हो गया, लॉन्ग टर्म, कैसा एसेट्स है, लॉन्ग टर्म. तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मुझे मिलेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस एसेट्स का कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट है 4,10,000 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड किससे करना है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स वाज ट्रांसफर, उस साल का ले लेंगे जिस साल एसेट्स को ट्रांसफर किया, और दूसरा क्या लेंगे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स वाज एक्वायर्ड. तो ये जो खरीदा था वो कब खरीदा था, 1st अप्रैल 2001 से पहले. तो 2001 का हमने इंडेक्सेशन कर लिया, 4,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 280 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 11,48,000. और दो इंप्रूवमेंट है, फर्स्ट लिख रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर ड्यूरिंग 2000-2001. तो कोई भी इंप्रूवमेंट जो 1st अप्रैल 2001 से पहले का किया है उसे आप कंप्लीट इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे आप इसे, इग्नोर कर देंगे. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक और इंप्रूवमेंट है, कौन से ईयर में इंप्रूवमेंट, इन 2013-2014. तो मैं लिखने जा रहा हूं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 4,40,000. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स वॉज सोल्ड एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच रिकंस्ट्रक्शन वॉज मेड आर 220. 4,40,000 into 280 divided by 220 are equal to 5,60,000. 5,60,000 total plus 11,48,000 are equal to 17,08,000 minus 45 lakhs are equal to 27,92,000. 27,92,000. 27,92,000 known as long term capital gain. Thank you, friends.